एक अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास आप यहां पर देखेंगे, जिसमें कि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, एक फंडामेंटल जानकारी हो जाएगा स्टार्टिंग का, क्योंकि हम लोगों को अलजेब्रा में चीप, मॉडरेट और हाई लेवल तक जाना है। तीन लेवल का क्वेश्चंस दिया जाता है एसएससी सीजीएल तक का। अगर हम बात करें तो पहले चीप लेवल, फिर आपका मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, ऑप्टिमम लेवल तक जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है वो चीज देखिए यहाँ पर। सबसे पहले ये जो अलजेब्रा है इसमें एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। इस फॉर्मूला पर आधारित आपको क्वेश्चन दे देता है। और वो क्वेश्चन कैसा होता है तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर वन, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू में फाइव, तो पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ऐसा तो बोले आज इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो इससे स्क्वायर अगर पूछा तो हम अगर बनाना चाहेंगे तो पहला क्वेश्चन है, हम पूरे डिटेल्स में आपको दिखा रहे हैं, हम स्क्वायरिंग बोर्ड सर्च करेंगे तब ना एक्स से एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होगा प्लस में बी स्क्वायर होगा प्लस में टू इंटू ए इंटू बी होगा, पाँच का स्क्वायर पच्चीस होगा, ये यहाँ कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 25 में दो घटेगा, तो आपके प्रश्न का आंसर 23 होगा। लेकिन बोले चूंकि पूरे इंडिया में आप जो है कंपटीशन फेस करेंगे तो इस मेथड में टाइम आपको ज़रूरत से ज़्यादा लग गया, दैट्स व्हाई आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। अगर सफलता को हासिल करना है तो रास्ता को चेंज कर लीजिए। रास्ता को चेंज हम कैसे करेंगे उस बात को यहाँ पर फिल करिए और वो तरीका आपको बता जा रहा। देखिए आज इस जगह पर अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक नोट यहाँ पर बना लेते हैं और वो नोट क्या है, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू एम, तो आपको यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में एम स्क्वायर और माइनस में टू, हमारा यही फॉर्मूला रामबाण होगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। वो अंक बदलेगा लेकिन और तो कुछ चेंज नहीं करेगा। आज बोले इसके लिए जब देखेंगे कि एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान आपको यहां पर पांच दिया है क्वेश्चन में, तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पांच का स्क्वायर और माइनस में दो और पच्चीस में दो घटा तो 23। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है, इसलिए ऐसे सारे प्रश्नों के लिए आप इस मेथड का हेल्प लेंगे बहुत ईजी होगा। तो देखिए आज ये जो आपको यहां लिखा हुआ है उसको अच्छे से आप इस जगह पर देख लीजिए। बोलिए ये जो सिचुएशन हम यहाँ पर आपको डील किए हैं उसको गौर से यहाँ पर आप ऐसे देखिए। बोलिए यही नोट है और इसी नोट को आपको कैरी ऑन करना है। तो बोले जब इस नोट से आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो सेकंड्स लगता है, माने विद इन सेकंड्स आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल और आपको लिख कर दिखाते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे देखिए बोले अगर इस जगह पर क्वेश्चन में x प्लस वन बाय एक्स का मान आपको यहां पर दे दिया है ये 3 और पूछ स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ऐसे अगर आपको इस जगह पर x प्लस वन बाय एक्स का मान दे दिया है 5 और इस जगह 6 कर देते हैं, चूंकि 5 पर तो हम लोग कर लिए थे 6 और पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान, तो हम लोग करते क्या है, तो उसके लिए सीधा हिसाब, इसका जब आंसर देते हैं तो 3 का स्क्वायर में देगा और आपके प्रश्न का आंसर 7 होगा, इसका जब आंसर देते हैं तो 6 के स्क्वायर में 2 घटेगा और आपके प्रश्न का आंसर 34 होगा। इतना जल्दी आप बना पाएंगे और आप ही को एग्जामिनेशन में जल्दी बनाना है। हम लोग तो गाइड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और आपको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचते हैं आप अपने मेमोरी से, अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने जिद्द से। इसीलिए आप छात्र अच्छा मेहनत करिए तभी मंजिल आपको मिलेगा, मंजिल तक पहुंचेंगे, लाइफ आपका बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम आते हैं इसी में पैटर्न चेंज करके। चलिए एक सीखे कि ये बेस देकर स्क्वायर पूछे तो क्या करना है, हम फॉर्मूला भी लिखा दिया एम स्क्वायर माइनस में टू। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू में आता है, इफ एक्स माइनस वन एक्स इक्वल्स टू 4, तो डिमांड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। बोले यहां भी अगर हम यहां से स्क्वायरिंग बोर्ड सर्च कर देंगे तो इसका मान बन जाएगा 1 माइनस एक्स ऐसे होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये तो कट गया, 16 में 2 ऐड होगा और आपके प्रश्न का उत्तर 18 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग यहां पर एक नोट लिखेंगे और वो नोट क्या कहता है उस बात को यहां पर फिल करिए। नोट आपका यही बोलना चाह रहा है कि इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू एम हो तो यहां लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान जो होगा वो एम स्क्वायर और यहां पे उसमें क्या होता था ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये नोट आपको जो है याद रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए अब आप यहां गौर से देखिए अगर हम इसको डायरेक्टली बनाना चाहें तो इसका मान कैसे निकालेंगे। बोलिए आज यहां से के हिसाब से जब डील करेंगे ये एम है तो ऐसा बोले एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर में चार दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बोला तो हम क्या करेंगे चार का स्क्वायर में दो जोड़ेंगे और यहां 16 आपका 16 में दो 18 इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है उसमें क्या आया था उसको भी आप देख लीजिए, उसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार ऐसे देखिए बेसिकली जब डील किए थे तो आपको यहां से हम लोग इस पर होल स्क्वायर ऐसा किए थे एक्स माइनस वन बाय एक्स का इक्वल्स टू में चार का स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस में 2ab और इक्वल्स टू में यहां से जो है 4 का स्क्वायर 16 तो ये ऐसा होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान आपको जो है 16 में 2 जोड़ करके 18 इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा ये था। तो चलिए आप यहां पर दो टाइप अभी पढ़ लिए, अब आते हैं अगला तीसरा टाइप पर। आपसे क्वेश्चन x प्लस वन बाय एक्स फिल करिए x प्लस वन बाय एक्स इसका मान आपको दे दिया है 5 और पूछेगा x क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का मान क्या होगा। बोले यहां पर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। आज बोलिए इसी फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे x प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब टू में यहां से 5 का होल क्यूब और तब यहां से बैठाइए तो ए क्यूब होगा प्लस में बी क्यूब होगा प्लस में 3ab होगा ऐसे और ए प्लस बी होगा 5 का क्यूब 125 होगा तो कैंसिल होगा और एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू में 125 में ये माइनस होगा 3 और गुणा में इसका मान 5 ऐसा तो ये आप 125 में 15 घटाएंगे 110 इसका आंसर होगा। लेकिन हम लोग ऐसे प्रश्न के लिए ये काम करेंगे नहीं और आपको क्या करना है तो वो यहां पर नोट में देखिए देखिए इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान एम होगा तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब के लिए हम यहां पर एम क्यूब और माइनस में 3 इंटू एम का हेल्प ले लेंगे। आज बोलिए आपके प्रश्न में एम का मान यहां पर 5 है तो ये 5 का क्यूब करेंगे और 3 इंटू 5 करेंगे तो 125 में 15 घटेगा 110 इतना जल्दी आंसर आ जाएगा ऐसे बनाना है। चलिए अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान आपको 7 दिया तो यहां से एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब का मान आपको निकालना है। बोले ये ए माइनस बी के होल क्यूब पर डिपेंड करता है और लिखाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। आज इसी से जब हम एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब कर यहां से 7 का क्यूब करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में आपका 3ab ब्रैकेट a माइनस बी बराबर में 343। बोले ये तो कटा और x क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब का मान जो निकला वो कैसे तो 343 में प्लस हो जाएगा 3 इंटू इसका मान जो 7 था। बोले 343 में 7 + 21 जोड़ेंगे तो आपका 364 ये इस प्रश्न का आंसर ये था। यहां से आपको देखिए ये 3 और इसका मान 7 तो 7 + 21 ऐड होगा 1 3 4 4 2 6 ऐसा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी जब आप यहां पर नोट लिखेंगे तो इस नोट में क्या लिखा रहा है वो देखिए इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान एम हो तो यहां से आप जब एक्स क्यूब माइनस क्यूब
निकालेंगे तो लिखा आएगा एम क्यूब और यहाँ पे प्लस होगा 3 × m, ये हमारा डायग्राम बन गया। आज बोलिए आपके लिए यहाँ 7 है m का मान, तो 7 का क्यूब होगा और 3 × 7 होगा, 7 का क्यूब 343 में आप 21 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, 6 बनेगा और ये 3 बनेगा, तो आपको इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप ये 4 टाइप्स अभी पढ़ लिए। अब हम आते हैं जिसमें कि अगला यहाँ पर चेंज होगा क्वेश्चन, और वो क्या है, बोलेगा इफ एक्स प्लस 1/x का मान 3, और इससे पूछेगा आपको, अभी एक बार हम √3 का ये दिखा देते हैं, एक्स क्यूब और 1/x³ का मान ऐसा। तो बोले ये जब निकालते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए तो मालूम है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अगर हम इस बार निकालेंगे तो यहां पर इसका होल क्यूब करेंगे और माइनस में इसी का प्रोडक्ट लेंगे, बनेगा 3√2√3 और ये ऐसा, और ये उत्तर इसका 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि इफ x प्लस 1/x का मान आपको यहां पर 4 हो तो पूछेगा इस जगह पर x का 4 पावर प्लस 1/x का 4 पावर। बोलिए आप क्या किए, पहले इससे 2 पावर पढ़े, फिर इससे 3 पावर पढ़े, फिर इससे 4 पावर पढ़ रहे हैं, तो 4 पावर कैसे निकलता है, तो इसके लिए अब ट्रिकी अप्रोच लगाइए। बोले हम इससे सीधा ये निकालेंगे, मैंने कहा ये देखकर ये पूछे तो कैसे बनाते थे, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 14। अब यहां पर इससे ये निकालना है, तो बोले सेम पैटर्न को रिपीट कर लीजिए, है ना, इसका स्क्वायर अब इसका स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर करेंगे और 2 इसमें लेस करेंगे, 196 में 2 घटा देंगे, 194, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, हो गया। अब इस जगह पर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेकर, इसमें बोलता है इफ x प्लस 1/x का मान 3 हो तो यहां पर 5 पावर पूछ दिया, ये ऐसे करके 5 पावर। बोले 5 पावर में टेक्निकल ब्रेन आपको लगाना पड़ेगा, वो एक्स स्क्वायर 1/x 3 का स्क्वायर माइनस 2 से 7 आ गया ये, और फिर इसी जगह से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, जब निकालेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 तो बोलिए ये 27 में 9 गया 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले ये गुना होगा x पर 5 बनेगा, ये गुना होगा 1/x पर 5 बनेगा, ये गुना होगा x, ये गुना होगा 1/x बनेगा, और तब यहां से 18 × 7 गुना होगा तो 126 बनेगा। अब यहां से x पर 5 पावर प्लस 1/x पर 5 पावर इक्वल्स टू 126 में ये उधर माइनस होगा और मान 3, तो आपके प्रश्न का आंसर 123। ये हम यहां पर 5 पावर के लिए आपको नियम बताए इस हिसाब से। अब यहां पर देखिए एक सिचुएशन ऐसा, एक्स प्लस 1/x का मान यहां पर आपको 2 दे दिया और यहां से कुछ भी बोल देता है 100 पावर, यहां पर 101 पावर ऐसे करते हुए इक्वल्स टू हार्ट, तो अब क्या है ना कि यहां पर आपको गेसिंग से बना लेना बेटर होगा। गेसिंग क्या कहता है, x का मान 1 ही होगा, 1 प्लस 1 से 2 सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी आप दे पाएंगे और इसको जब डील करेंगे तो ये 1 प्लस 1 से आपका उत्तर 2 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये इसी में क्वेश्चन नंबर 8 था परहैप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में इफ एक्स प्लस 1/x का मान माइनस में 2 कर दिया और तब पूछेगा 30 पावर और 1/x पर 31 पावर इक्वल्स टू में व्हाट ऐसा। बोले यहां पे भी आप गेस करेंगे और गेसिंग से जो है ना एक्स का मान इसमें माइनस 1 होगा क्योंकि माइनस 1 से माइनस 2 बन जाएगा। अब यहां पर माइनस 1 पर इवन पावर है, यहां पे माइनस 1 पर ऑड पावर है, इसीलिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो माइनस 1 पर इवन से प्लस 1 और ये माइनस 1, तो फाइनल आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। अब इसका इन ए नटसेल क्या था, मेनली दो चीज आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इफ में था x प्लस 1/x का मान
लिखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर के लिए आप यहां पर m स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं। इफ इसी जगह पर x माइनस 1 बाय x का मान m दिया था तो आप x स्क्वायर और प्लस 1 बाय x स्क्वायर लिखते हैं तो यहां पर m स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं। उसी प्रकार से इफ x प्लस 1 बाय x का मान m दे करके आपको जब यहां पर क्यूब पूछा जाता है तो इस जगह पर हम लोग लिखते हैं m का क्यूब और यहां माइनस में 3 इंटू एम और फिर यहां से जब हम x माइनस 1 बाय x लिखते हैं और m दे करके यहां पर x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब लेते हैं तो इस जगह पर m का क्यूब और यहां पे प्लस होता है 3m ऐसा। और जब यहां पे ये बात बोल देता है ऐसे कि इसका मान 2 होगा तो इससे x का मान 1 अंदाज से आपको पुट कर देना है, इतना आपको जो है ना जीके के टैप से याद कर लेना है। चलिए इस प्रकार से हम लोग इस तरह के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली डील कर पाएंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर पूछा जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन रेलवे में बहुत पहले से पूछता था, एसएससी में 2010 से शामिल किया तो क्वेश्चन लगातार अलजेब्रा से आ रहा है, चीप लेवल, मीडियम लेवल और अपर लेवल, चीप, मॉडरेट और हाई लेवल, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल, हम सारे लेवल को कराएंगे। धीरे धीरे लगातार अलजेब्रा चलता जा रहा है और आगे अभी अलजेब्रा ही चलता रहेगा। आप सारे छात्र इसका एक फेयर कॉपी करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जिस प्रकार से हम पैटर्न आपको ब्रेक करके लिख करके दिखा रहे हैं उसी प्रकार से आपको जो है ना तैयारी कर लेना, एक अलग कॉपी बना लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।